हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नफीस अहमद। आज हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड मिजेंट्रिक लिम्फ एडिनोपैथी के बारे में। इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़, इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, सूजन, बॉवल का मतलब आँत और डिजीज़ का मतलब बीमारी यानी आँतों में सूजन है। मिजेंट्रिक लिम्फ एडिनोपैथी। मिजेंट्रिक, हमारी आँतें एक झिल्ली के जरिए एब्डोमिनल वॉल से जुड़ी हुई होती है, उस झिल्ली को हम मिजेंट्री बोलते हैं। हमारे बॉडी में जिस तरह ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, उसी तरह हमारे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम भी पाए जाते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा होता है जो काफ़ी बीमारियों से बचाता है। इसके अंदर लिम्फ नोड्स यानी ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो छोटे छोटे मटर के दाने के बराबर होते हैं, और ये बैक्टीरिया से फाइट करके हमारे बॉडी को इन्फेक्टेड होने से बचाता है। मिजेंट्री जो आंतों को जोड़ती है, उसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम के छोटे छोटे लिम्फ नोड्स यानी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। किसी भी वजह से उस लिम्फ नोड्स यानी ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे उसकी साइज बढ़ जाती है। इस कंडीशन को लिम्फ एडिनोपैथी या लिम्फ एडिनाइटिस बोलते हैं। जो हम खाना खाते हैं उसके साथ साथ बैक्टीरिया भी साथ में आंतों में चले आते हैं, लिम्फ फ्लूड्स के थ्रू बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, जिससे हम बहुत सारे इन्फेक्शन से बच जाते हैं। ज़्यादातर लिम्फ एडिनोपैथी बच्चों के अंदर पाए जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, यानी मरीज को क्या दिक्कत होती है? बार बार पेट में दर्द होना, चलने पर, लेटने पर, करवट लेने पे हमेशा दर्द होने लगता है। कभी कभी नौजिया, वोमिटिंग यानी जी मालिश करता है, उल्टी होती है, भूख बिल्कुल भी नहीं लगता, पेशेंट को वजन घटने लगता है। इसका वजह कभी कभी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, आईबीएस हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है। लिम्फोमा का मतलब कैंसरस, वो भी रेयर में होता है।